किया गया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर वरुणावत पर्वत से भूस्खलन, जान बचाकर कि यहां पर लोग भागते हुए नजर आए। मलबे में दबे वाहन, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से दहशत लोगों में नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन यहां पर देखने को मिला है। बता दें कि गुफियारा की ओर से मलबा आया और देर रात अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराया है। पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। ट्रैफिक को मनेरा बाईपास की ओर डाइवर्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव उत्तरकाशी से। भूस्खलन लगातार प्रकोप बनता जा रहा है देवभूमि में। जिस तरीके से भूस्खलन की जो घटनाएं सामने आ रही है उनमें सबसे ये ताजा मामला उत्तरकाशी से, जहां पर देखिए फिर से पहाड़ दरके हैं। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हेमकांत हमारे साथ जुड़ गए। हेमकांत, देखिए लगातार जिस तरीके से भूस्खलन का जो प्रकोप है देवभूमि में अलग अलग जगहों से सामने आती रही है खबरें, लेकिन ये जो उत्तरकाशी से तस्वीर आई है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट फिलहाल? देखिए कल रात्रि को जनपद में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण करीब 11 या 12 बजे के लगभग जो है जो जिला मुख्यालय के समीप जो है वरुणावत पर्वत है, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण कुछ वाहन जो है मलबे में दबे हैं और लोग जो है रात, क्योंकि रात्रि का समय था, बारिश काफी हो रही थी, तो लोगों ने अपनी जान बचाकर वहां लोग भागे, क्योंकि नीचे जो है रिहायशी इलाका है। और तत्काल जैसे ही जो है सूचना जो है लैंडस्लाइड की जो है आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को लगी, तो तत्काल जो है जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन कक्ष में आए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी भी तत्काल जो है मौके पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाया गया है, क्योंकि वहां पर रिहायशी इलाका है और लोगों के घरों को खाली करवाया गया है और लोगों को धर्मशालाओं में जो है शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो मलबा जो है वहां पर गिरा हुआ है उसको हटाने का कार्य जो है किया जा रहा है, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है मलबा गिरा है जब वरुणावत पर्वत से जो है लैंडस्लाइड। ठीक है इमकान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए फिर से वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रकोप है पहाड़ पर देखने को मिल रहा है। पर्वत से भूस्खलन की तस्वीरें डरावने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देर रात लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो जमीन है वो दरकी है। और तस्वीर आपको दिखा रही उत्तरकाशी से, ये भयावह मंजर सामने आ रखा है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन जो कि अब डरा रखा है स्थानीय लोगों को, और इसके अलावा जान बचाकर के यहाँ से लोग किसी तरीके से भागे। मलबा आया हुआ है, मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है, टीमें तैनात कर दी गई हैं और यहाँ पर राहत बचाव का जो दल है वो लगातार एक्टिव है। रायबरेली में कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तरकाशी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई लोग गुफियारा गांव के पास फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर के उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो देखिए दरअसल सड़क पर मलबा आ गया था, एसडीआरएफ के जवानों ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसी तरह से माड़ी गांव नेताला गुफियारा गांव के पास फंसे लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। तो कई वाहन जो है इस मलबे में फंसे रहे ये बताया जा रहा है। देर रात भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन की जद में कई वाहन आ गए और जिनके लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेस्क्यू चलाया गया है। राहत बचाव की टीम जो राहत बचाव का दल है वो लगातार एक्टिव मोड पे कार्य करता हुआ नजर आया और वाहनों को बाहर निकाला गया है। उत्तरकाशी में पहाड़ इस तरीके से लगातार दरक रहे हैं।